बिग बॉस 14 के कंटेस्टेंट राहुल वैद्य शो भले ना जीत पाए हों, लेकिन उनकी लोकप्रियता में भारी इजाफा हुआ है। वो जहां भी जा रहे हैं उनके प्रशंसक उन्हें घेर ले रहे हैं। बिग बॉस के घर में राहुल ने टीवी पर अपनी गर्लफ्रेंड दिशा परमार को प्रपोज किया था और अब जल्द ही वो शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। जी हां, राहुल वैद्य जल्द ही शादी करने वाले हैं। इसका संकेत उनकी मां ने भी तब दिया था जब वो फैमिली वीकेंड के दौरान बिग बॉस के घर में गई थी। अपने हाल के एक इंटरव्यू में राहुल ने कहा कि 3-4 महीने बाद ही उनकी शादी होने वाली है। जब राहुल बिग बॉस के घर में थे तब भी ऐसी खबरें थी कि वो जून में शादी कर सकते हैं। हालांकि अभी तक उनकी शादी की तारीख फाइनल नहीं हुई है। राहुल चाहते हैं शादी की रस्में उनके परिवार और चुनिंदा लोगों के बीच हो। बाद में वो फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के लिए एक रिसेप्शन का आयोजन करेंगे। राहुल के अलावा इसी इंटरव्यू के दौरान दिशा ने बताया कि जब गायक ने बिग बॉस के घर में एंट्री ली थी तब तक वो सिर्फ अच्छे दोस्त थे। शो के बारे में राहुल कहते हैं कि शुरुआत में उनके लिए मुश्किलें हुई और ऐसा लग रहा था कि वो शो के लिए सही नहीं है। वो दिशा को बहुत याद कर रहे थे और उससे मिलना चाहते थे। टीवी पर राहुल के प्रपोजल से दिशा भी हैरान रह गई थी। बिग बॉस 14 खत्म होने के बाद राहुल वैद्य मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर दर्शन करने भी पहुंचे थे। उसके कुछ दिन बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड दिशा के साथ छुट्टियां मनाने निकल पड़े और अब राहुल और दिशा एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम बिता रहे हैं।